देखिए लिंगड़ी की सब्जी, हम इसको लिंगड़ बोलते हैं। मैंने सारे में क्लीन कर लिया है बस। हाय, हमने निकाल ली कट्ठू की सब्जी। तो ये है गोभी का खेत, देखिए गेहूं का खेत कितना बड़ा है। तो यहाँ पे दराटी को तेज कर रहे इस तरह से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो अभी मैंने आदिक को नहला दिया है और आदिक नहाने के बाद ना सो जाता है, तो अभी उसको मैंने सुला भी दिया है। और मैं गई थी खेत सुबह सुबह, उस टाइम मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। और आज मैं सुबह भी घास लेके आ गई हूँ खेत से, अब मैं जाऊँगी शाम के टाइम। तो अभी बस घर की थोड़ी साफ़ सफाई वगैरह करते हैं और कपड़े वगैरह धोते हैं, कपड़े धोने को है, उसके बाद फिर। आज बहुत तेज धूप है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए बीच रास्ते में बैठी है, डरती भी नहीं है। हाय, भाग गई। मैं तो यहीं आ रही हूँ घास लाने, मैं तो यहीं आ रही हूँ, भाग गई। तो मैं अभी आई हूँ गाय को पानी और घास देने, गोबर तो मैं सुबह ही निकाल देती हूँ। और यहाँ पे मुझे दिखी बिल्ली जो कि मुझे देख के भाग गई। नहीं पीना पानी, रहने दो फिर। ये नहीं पी, बाकी तो पी लिया सब। इन दोनों को पूछते हैं पीना या नहीं। हेलो, देखिए घास भी नहीं खाया ऐसे, नहीं पीते पानी। तो घर के सारे काम भी हो गए हैं और मैंने खाना भी खा लिया है। मैंने बॉजी वगैरह के घर में खाना खाया और आज शाम का कोई पता नहीं मैं खाना कहाँ खाऊंगी, क्योंकि आजकल ना मैं सबके घर जाती रहती हूँ खाना खाने के लिए, सब बुलाते हैं। तो आज ना मैंने जो ये धाटू वियर किया है ना, ये धाटू बहुत पुराने हैं लेकिन इनका फैशन कभी ख़त्म नहीं होता है और काफ़ी हल्के भी होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले धाटू। तो आज मुझे सुबह ही दिखा तो मैंने इसको लगा लिया। और गाइस, कल मम्मी वगैरह भी हॉस्पिटल से घर आ जाएंगी, तो मैं सोच रही हूँ कि कल कुछ किया जाए, मतलब जब बेबी घर में पहुँचेगा तो उस टाइम थोड़ा सा सेलिब्रेशन करेंगे, ज़्यादा नहीं। मैं सोच रही हूँ कि केक ऑर्डर करते हैं, जब वो घर में पहुँचेंगे ना उस टाइम फिर केक कट करेंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कल पता नहीं वो किस टाइम आएंगे। एक ही बचा है, एक के जी आम लेके आए थे, एक तो मैंने पहुँचते ही खा लिया था। आम मेरे फेवरेट है, पहले इसको वॉश करते हैं अच्छे से। वैसे आम को मेरे पास चूस के खाना अच्छा लगता है, बट ये वाले आम ना कट करके खाने में अच्छे लगते हैं। इतना जूस ये है ना, बहुत जूस निकल रहा है इससे। आम खा गुठलिया मत गिन, सुनी ये वाली कहावत आप सबने। आम काटना ना मेरे को बड़ा गंदा लगता है। वाओ, इन्हें खाऊंगी इस सीजन के फर्स्ट आम। तो अभी ना मैंने पूरा आम खा दिया है और आम ना मेरे इतने फेवरेट है कि क्या बोलूं, मज़ा आ गया। तो अभी आदविक भी उठ गया है। हेलो मम्मा। हेलो, हाय। क्लैप 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 क्लैप, ही करनी आती है और कुछ नहीं आती। आदू
बाय बाय, मैं जा रही हूँ, ठीक है, बाय बाय। एक गिलास रखो पर बेटे। डड्डा डड्डा। तो अभी टाइम हो गया है चाय बनाने का, 2 बज गए, तो 2:30 2:30 बजे हम चाय बनाते हैं, और मैं तो दूध पीऊँगी, बाकियों के लिए चाय बनेगी, क्योंकि दूध का कुछ नहीं होता, दूध पी सकते हैं ऐसा बोल रहे थे सब, तो मैंने दूध पी लिया यहाँ पे, सुबह शाम पी लेती हूँ दूध, बाकी तो मैं खाना बॉजी की तरह खाती हूँ आजकल। और ये देखिए दूध में कितनी ज़्यादा मलाई बनी है, वाह देखना, मलाई बड़ी अच्छी लगती खाने में, ये देखिए बहुत मोटी परत बनी है मलाई की। तो बस पहले मैं चाय बनाती हूँ, फिर दूध बनाऊंगी अपने लिए। आदबिक देखिए, आदू कहाँ जा रहा है, आदबिक बेटे, नो नो बेटे। तो यहाँ पे दराटी को तेज कर रहे इस तरह से पत्थर में। तो अभी हम जा रहे हैं घास को, हुई तेज दराटी भी हो गई तेज, चल पड़े हम घास को। देखिए गेहूं का खेत कितना बड़ा है, और इस साइड टमाटर। आज मैं जा रही हूँ भाभी जी बगैर के खेत घास लाने, कितने अच्छे गेहूँ हैं, गेहूँ गेहूँ। और यहाँ पे भी लगाई है वो वाली गोभी, देखिए। तो यहाँ पे लगा है बहुत सारा धनिया, ये देखिए देसी धनिया, तारी खासी भी अड़ी उबली सामी, ये देखिए। और नीचे गोभी का खेत, ये दूसरी वाली गोभी। तो ये है गोभी का खेत, तो यहाँ से हम ले जा रहे हैं काठू की सब्जी, काठू काठू। तो ये हमने निकाल ली काठू की सब्जी, तो अब हम जा रहे हैं घर वापस, सब्जी भी ले गए खेतों से, भाभी जी की खेत से लेकिन आज सब्जी, आज हम बनाएंगे काठू की सब्जी। तो भाभी जी ना अभी दराटी भूल गए खेत में, तो वो वापस गए, मैं इनका उनका वेट कर रही हूँ यहाँ पे। आदबी को डाल दिया पीठ में, तो अभी मैं आई हूँ जंगल सब्जी की तलाश में, क्योंकि मैं भेजने वाली हूँ अपने घर को, अपने ससुराल को, ये लिंगड़ की सब्जी। तो देखिए इस घने जंगल में ना नाले के आसपास ये सब्जी लगी होती है, और यहाँ पे ना दूर दूर से लोग आते हैं इस सब्जी को ढूंढने, तो बस मैं भी ढूंढ रही हूँ, उम्मीद है कि काफ़ी सारी मिलेगी, फिर मैं अपने घर को भेजूँगी ससुराल को। और इसकी ना चटनी रायता भी बहुत अच्छा होता है इसका, इसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है, इसका अचार तो बहुत ही अच्छा, इसका हम अचार भी बनाएंगे। फिलहाल मैं इसका रायता रायते के लिए भेज रही हूँ, क्योंकि मेरे जीवची को इसका रायता बहुत पसंद है, तो मैं भेज रही हूँ घर को ही, लिंगड़ ढूंढ रही हूँ जंगल में। ये देखिए ऐसे लगा होता है ये, यहाँ पे भी ओहो, ये वाला जो लिंगड़ होता है ना ये नहीं होता है, देखिए ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये थोड़ा लाइट ग्रीन है, तो ये नहीं चलेगा, घर को ये वाला लिंगड़ चाहिए इस तरह का। और इसमें ना इस तरह से बाल लगे होते हैं, देखिए ये तो बहुत सारा लगा है। तो जो ये लिंगड़ की सब्जी होती है ना, नमी वाले इलाके में ही बहुत ज़्यादा मिलती है, और अब तो ना लोग इसको बेचने में लग पड़े हैं, मेरे मायके से बहुत सारे लोग ना इस सब्जी को बेच रहे हैं, और दूर दूर से दूर दूर से लोग आते हैं और जंगलों से ना ये सब्जी ले जा रहे हैं बेचने के लिए, और ये सब्जी मार्केट में 40 रुपये KG बिक रही है। तो इसमें ना कोई स्प्रे होती है,
और ये बिल्कुल जंगल में लगी होती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, गुणों से भरपूर। देखिए लिंगड़ी की सब्ज़ी, हम इसको लिंगड़ बोलते हैं, आप इसको क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कुछ इस तरह का ये जो घास होता है ना, इसमें लगी होती है नीचे नीचे, इसको हम बोलते बैन। ये देखिए यहाँ पे लगी है, ये देखिए लिंगड़। यहाँ पे इसका पौधा है और ये ऐसे नीचे नीचे लगी होती है। तो अभी मुझे इतना लिंगड़ मिल गया और अभी मैं और ढूंढती हूँ। सो अभी मैं पहुँच गई हूँ घर में और अभी ना मैं इस वाले रूम की सफाई करती हूँ। यह है मेरे भैया भाभी का रूम और कल वो आ भी रहे हैं, तो मैं तो चलो थोड़ी साफ़ सफाई करके रखती हूँ और कल हम केक कट भी करेंगे जब वो घर में पहुँचेंगे, ऐसा मैंने सोचा है। और शायद कल दीदी भी आएगी। तो अभी मैंने पूरे रूम की सेटिंग कर ली है और यहाँ पे ना मैं कल डालूँगी गर्म वाली बेडशीट, आज तो मैंने फिलहाल ये वाली डाली जो थी यहाँ पे। और बाकी मैंने सारा ही मैं क्लीन कर लिया है, बस सब चलते हैं ऊपर। क्यों तो अभी चलते हैं ऊपर, अब मुझे जाना है कॉ मिल्किंग करने, फिर मुझे बनाना है डिनर। और तो यहाँ पर सब्ज़ी भी कट कर ली है, प्याज लहसुन भी रेडी है हमारा। और इस सब्ज़ी को ना हम चूल्हे पे बनाएंगे, वो भी लोहे की कढ़ाई में। और आज हम पहली बार इस तरह से बना रहे हैं, मतलब बिना पकाए सब्जी को पहले बना रहे हैं।